चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग मैम। चलिए आज गुड मॉर्निंग, हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? रिवीजन कर रहे थे ना चैप्टर फर्स्ट का। Yes, यही उनका दिक्कत लगा था बस, तुमको एक मिनट में तुरंत काम नहीं कर पाते। चलो तो आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे। ओके ओके मैम। चलिए तो चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? सेंस ऑर्गन्स के नाम बताइए अविका, फाइव सेंस ऑर्गन्स के नेम बताइए। Eye, ear, tongue, nose, skin. स्पेलिंग बताइए सबकी, सबकी स्पेलिंग सुनाइए। E-Y-E-I-E-A-R, ear, E-O-N-G-U-E, tongue, N-O-S-E, nose, S-K-I-N, skin. वेरी गुड। चलिए पंखुड़ी, अब आप जो है इंटरनल बॉडी पार्ट्स के नेम सुनाइए विद स्पेलिंग। B-R-A-I-N, brain, L-U-N-G-S, lungs, H-E-A-R-T, heart, S-T-O-M-A-C-H, stomach, L-I- V E R liver, K I N E Y S kidney, K I D N E Y kidney, okay? Yes ma'am. क्या है kidney की spelling? K I D N E Y kidney. मैम पर जब आप वही पढ़ा रही थी जिसकी पंखुड़ी ने स्पेलिंग सुनाई थी, उसमें तो बस एस ही था, बिना एस के नहीं था, बस उसमें किडनी दिखा था, किडनी। बेटा हम किडनी भी बोल सकते हैं, हम किडनी भी बोल सकते हैं। ओके चलो तो आज हम लोग करेंगे उसकी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज का रिवीजन। ओके तो चलो एक्सरसाइज में सब लोग अपनी बुक बंद कर दीजिएगा, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, तो आपने लर्न किया है? मैंने लर्न किया था मैम, जब श्रीता मैम हम लोगों को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही थी तब उन्होंने हमसे ओलिवरी ट्रीज की पोयम के बारे में, पोयम के सुनाने के बारे में पूछा था, तब मैंने लर्न करके पूरा सुना दिया था उन्हें। वेरी गुड अविका। श्वेता मैम मैं हूँ, वो सुजाता मैम है जो आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती है। ओके चलो अब फर्स्ट है आपका राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स। आपको क्या करना है, आपको बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने हैं। ठीक है तो चलिए फर्स्ट है आपका वन राउंड, सब लोग अपनी बुक्स को क्लोज कर दीजिए, सब लोग क्या करेंगे, सब लोग अपनी बुक को बिल्कुल क्लोज कर दीजिए और बताइएगा, जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो आंसर देगा। बताओ अविका वन राउंड क्या होगा? Head. Head. Spelling बोलिए head की। H-E-A-D. Very good. चलिए अब बताइए second one broad. पंखुड़ी आप बताइए क्या होगा? पंखुड़ी yes, बताइए ma'am. वन ब्रॉड क्या होगा? निक। बेटा आपने कैसे याद किया है, आपने सीरियल वाइज याद किया है? सीरियल वाइज नहीं याद करना है आप सबको। ठीक है तो वन ब्रॉड क्या है बताइए, किसको पता है इसका आंसर? पता है,
प्रभात चेस्ट, वेरी गुड. स्पेलिंग बोलिए चेस की. सी एस ई एस टी. वेरी गुड. क्या है? सी एच ई एस टी, चेस्ट. अब थर्ड है आपका टू वेल बिल्ड. प्रभात बताइए क्या होगा? प्रभात बताइए टू वेल बिल्ड क्या होगा? प्रभात आंसर दीजिए क्वेश्चन का. टू वेल बिल्ड, किसका इसका आंसर पता है? आदित्य आप बताइए इसका आंसर. आदित्य, स्वस्तिक, प्रभात, आप तीनों में से कोई एक इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा. टू वेल बिल्ड. जल्दी बोलिए बेटा, माइक ऑन करिए अपना. आदित्य, प्रभात एंड स्वस्तिक. मैम आर्म. आर्म्स? नो मैम, आर्म. वो आर्म बोला है, ए आर एम, आर्म. हाँ तो क्या होगा? टू वेल बिल्ड. क्या है हमारे टू वेल बिल्ड? आर्म. आर्म क्या हो जाएगा? ए आर आर्म्स, एंड या फिर हम इसको हैंड्स भी बोल सकते हैं. हम लोग आर्म्स को हम लोग अपने आर्म्स भी बोल सकते हैं और हैंड बोल सकते हैं. हाँ चलिए आप बताइए टू स्मॉल. आपके पास टू स्मॉल्स क्या है? किसका आंसर पता है? किसको उसका आंसर पता है? टू स्मॉल मैम मुझे पता है, फिंगर. बेटा फिंगर्स स्मॉल नहीं होती हैं और फिंगर्स हमारी टू होती हैं. ये बताइए अविका, फिंगर्स आपकी कितनी होती है? हाँ तो क्या लिखा है ये? टू स्मॉल. तो क्या होगा मैम? आई हील. फीट. टू स्मॉल फीट. ओके फिर नेक्स्ट है आपका टू लॉन्ग. अब बताओ टू लॉन्ग क्या होते हैं हमारे बॉडी में? लेग. वेरी गुड. क्या है? लेग्स. टू लॉन्ग लेग्स. मैम कल जब आपने वो पढ़ाया था कि हम लोग ग्रुप की एंड्स और प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, हम कैसे ग्रो होते हैं, हमारी बॉडी कैसे ग्रो होती है, वही जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो हमारी बॉडी भी ग्रो होने लगती है और जो हमारा लेग्स है वो भी ग्रो होने लगता है, मतलब वो बड़ा होने लगता है. हाँ चलिए आपने सही बोला विका. जैसे जैसे हम क्या करते हैं? ग्रो करते जाते. हाँ ग्रो करते हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडी भी क्या करती है? ग्रो करती है, होने लगती, मतलब बड़ी होने लगती है. हम्म.
अब बताइए अपने से के आपकी बुक में पिक्चर्स दिए होंगे. लुक एट द पिक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट. ठीक है, तो क्या करना है आपको, पिक्चर को देखना है और बताना है कि वो आपका कौन सा बॉडी पार्ट है. ओके देखिए, तो फर्स्ट है आपका आर्म. बताइए कौन सा बॉडी पार्ट है आपका. स्टमक. क्या है स्टमक. ये क्या है आपका. हार्ट. ये क्या है आपका. ईयर. 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 Lips. Very good. ये क्या है. Lips. और मैम जब हम माउथ को थोड़ा ओपन करते हैं तब हम लोगों के माउथ में टीथ होते हैं, जब हम लोग उससे उससे कुछ भी चबा सकते हैं. यस सर. हमारे जो टीथ होते हैं उससे हम कुछ भी च्यू कर सकते हैं. मैम एक टंग भी होती है जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं. हाँ, टंग से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं. अच्छा बताओ स्मेल हम किससे करते हैं. मैम हम लोग नोज से स्मेल करते हैं. नोज. और सी किससे करते हैं. मैम आईज. आईज. और मैम हम लोग सी आईज से करते हैं. बताओ ये क्या है आपका. मैम लेग. मैम हील. ये मैम ये लेग है. ये आपका लेग है पर जहाँ पे एरो बना है ये क्या है आपका. ये सर्कल वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं. नी. क्या बोलते हैं. नी. शो कर सकते हैं कि ये क्या चीज है. हाँ, आई हमें क्या करती है, सी करने में हेल्प करती है. सारी चीजों की हम लोगों की जो सारी चीजें होती हैं वो सी करती हैं और हम लोग भी खुद अपनी आई से सी करते हैं कि ये क्या चीज है. बताओ ये क्या है. हाँ, क्या है ये. नोज. मैम फिंगर. लंग. क्या है ये. लंग्स. मैम लंग्स. स्पेलिंग बताइए लंग्स की. LUNGS. लंग्स. वेरी गुड. LUNGS. लंग्स. वेरी गुड.
फिंगर फिंगर एंड फिंगर हैंड क्या है ये आपका हैंड लोग हैंड से कुछ भी कर सकते हैं हैंड से लिख सकते हैं अपनी बुक को पकड़ सकते हैं अगर हम कुछ कुछ लर्न करना हो तो हम अपनी बुक पकड़ कर लर्न कर सकते हैं और हम अपनी पेंसिल को हम लोग होल्ड कर देते हैं मतलब पकड़ लेते हैं ये बताइए क्या है क्या बोलते हैं गर्दन गर्दन चलिए अब सबको सारे पिक्चर्स याद है ना यस मैम यस मैम चलिए अब नेक्स्ट बताइएगा व्हाट कुड इट बी ये क्या हो सकता है फर्स्ट आई बीट फास्ट व्हेन यू रन आई एम इनसाइड योर मैम ब्रेन मैम हार्ट मैम हार्ट मैम हार्ट हार्ट किसका आंसर है हार्ट आदित्य सिंह आदित्य एंड अविका अविका सिंह यस मैम आती है हाँ इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा हार्ट हार्ट क्या करता है हमारे चेस्ट में होता है इसके अंदर होता है हाँ हमारे चेस्ट के अंदर होता है चेस्ट के इनसाइड होता है और वो क्या करता है बहुत फास्ट बीट फास्ट बीट करता है जब भी हम क्या करते हैं रन करते हैं है ना मैम हाँ बेटा मैम जो टू चैप्टर का गुड मॉर्निंग है वो मुझे लर्न हो गया है वेरी गुड जब हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे ना तब आप सुनाइएगा गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग फसबीर I help you to remove waste from the body. बताइए मम्मी क्या वेरी गुड क्या है किडनी किडनी क्या करता है हमारी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करता है ना यस मैम और
चलिए अब थर्ड है आपका, बताइए। आई डाइजेस्ट योर फूड। मैम स्टमक, स्टमक एंड कीप यू हेल्दी। क्या होगा स्टमक? स्टमक S-T-O-M-A-C-H स्टमक। वेरी गुड। अब नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट सुनाइए। आई कीप यू ब्रीथ एंड नेवर एट रेस्ट। मैं क्या करता हूँ, हमेशा तुमको ब्रीथ करने में हेल्प करता हूँ, कभी भी रेस्ट नहीं करता। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर क्या होगा? लंग्स। चलिए लंग्स की स्पेलिंग आदित्य। L-U-N-G-S लंग्स। U-T-N-G-E-S लंग्स। हाँ क्या है? L-U-N-G-S लंग्स। चलिए। Hey, I work like a computer. I solve all your riddles. क्या होगा? ब्रेन। क्योंकि जो हमारे हेड के इनसाइड में जो हमारा ब्रेन होता है वो कंप्यूटर की तरह, वो कंप्यूटर की तरह वर्क करता है और सोचता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जल्दी जल्दी काम कर देता है। हाँ और क्या करता है, हमें चीजों को लर्न करने में, रिमेम्बर करने में और थिंक करने में हेल्प करता है। और वो कौन है? ब्रेन। B-R-A-I-N ब्रेन। जैसे कि हमारा ब्रेन कुछ भी काम कर सकता है, वैसे ही हमारा कंप्यूटर भी कुछ भी काम कर सकता है, क्योंकि वो फास्ट वर्क पूरा कंप्लीट कर देता है, क्योंकि वो फास्ट वर्क करता है। हाँ बेटा। चलिए अब नेक्स्ट बताइए। चलिए नेक्स्ट बताइए। आई हेल्प यू ब्रीथ। अच्छा ये तो हो गया। चलिए तो चलो सबको याद हो गए ना अच्छे से राइडर्स? यस मैम। यस मैम। अच्छा एक राइडर बताइए। तो पढ़ाया जाएगा। हाँ बेटा मैम ग्रामर का। ग्रामर? यस मैम ग्रामर। बेटा ईवीएस में ग्रामर का, ईवीएस में ग्रामर कब आ गई? चलिए ग्रामर सब्जेक्ट। सब सब्जेक्ट्स। अभी का फिर से बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ ग्रामर सब्जेक्ट। ग्रामर सब्जेक्ट। तो बेटा ईवीएस में ग्रामर नहीं है ना, वो तो बेटा वो तो इंग्लिश वाली मैम आपको ग्रामर पढ़ाएंगी ना, तो आप उससे पूछिएगा कि वो आपको ग्रामर कब पढ़ाएंगी, है ना? ईवीएस में ग्रामर कहाँ है आपकी? चलिए अब नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट स्लाइड है आपका। आई हेल्प यू टू डाइजेस्ट योर फूड इन इजी वे एंड आई लाइज to the right of stomach. बताइए क्या होगा इसका आंसर? किसको इसका आंसर पता है? मैम क्या? मैम एक बार फिर से पूछ लीजिए। पूछ रही हूँ। आप लोग को बताना है इसका आंसर, ठीक है? क्या होगा? Yes, ma'am.
अरे मैं तो I help you in easy digestion of food. I nice to the liver. Right of stomach. तो बताइए क्या आंसर? Liver. Liver. Very good. क्या है? L I V E E R liver. Liver कहाँ पे होता है? Liver हमारे stomach के right side पे होता है और क्या करता है? हमें food को easy digest करने में help करता है, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए. तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन. तो बताइए सबका अच्छे से याद हुआ ना फर्स्ट चैप्टर? यस मैम. मैम जो फर्स्ट चैप्टर कराई थी अभी उसको कॉपी भी कर देना है क्या? नहीं बेटा, ये आपका रिवीजन था. आपने पहले पूरा काम कॉपी में कंप्लीट कर लिया ना? यस मैम. आपने कंप्लीट कर लिया है ना? अब ये आपका रिवीजन चल रहा है. तो अब आप क्या बेटा बोलिए? आपने चैप्टर तक पढ़ा दिया है? हाँ सर, मैंने 3 चैप्टर तक कंप्लीट पढ़ा दिया है और अब मैं आप लोगों का रिवीजन करवा रही हूँ. ठीक है? यस मैम. आपकी आपकी जो क्लासेस छूट गई है ना ऑनलाइन, आपकी सारी क्लासेस है, हाँ वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा. ओके. चलिए अब एक क्वेश्चन है, ये बताइए आप सीड ग्रो इन प्लांट. तो बताइए, हाँ सीड से क्या होता है? Seedling plant. Very good. क्या होगा? फर्स्ट दिया गया है. अ चिकन इज बोर्न फ्रॉम एन एग. उससे पहले एग से शुरू हुआ, फिर एग में से चिकन आया, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो होने लगा, फिर वो हैन में बदल गया. अविका बेटा इधर देखिए, ये क्या दिया हुआ है? प्लांट दिया हुआ है ना? तो आप किसके बारे में बताएंगी? आप प्लांट के बारे में बताएंगी. ओके मैम. ये क्या है? ये सीड है. सीड से क्या आता है? सीडिंग आता है और सीडिंग से फिर क्या बन जाता है? प्लांट बन जाता है. वेरी गुड. चलिए तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर सबका अच्छे से रिवाइज हो गया ना? अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में सेकेंड चैप्टर का पूरा अच्छे से रिवाइज करके आएंगे और जो जो जितना भी मैंने आपको काम करवाया है सब लर्न करके आएंगे. ओके. तो नेक्स्ट क्लास में हम हमारा सेकेंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे. ओके चलिए. बाय बच्चों. वेलकम बेटा. बाय बाय. बाय.